नमस्ते बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के लिए पाठ 13 अमर शहीद, जिसके लिखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा, पाठ वाचन लेकर आई हूँ। मैं इस पाठ का आपको थोड़ा सा परिचय दूंगी। लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज बीकानेर से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की एवं भाषा विभाग जयपुर में मुख्य अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। बाल्यकाल से ही आपका रुझान नाटकों की ओर था, अतः नाटक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय में सक्रिय भागीदारी निभाई। रंगा जी हिंदी व राजस्थानी दोनों भाषा पर समान अधिकार से साहित्य सृजन करते रहे हैं। आपके नाटक एवं एकांकी मुख्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक विषयों के आधार पर बनाकर लिखे गए हैं। इनके द्वारा लिखित रचित नाटक एवं एकांकी अभिनय एवं रंगमंच की दृष्टि से बेहद सफल रहे हैं। इनको सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमंद रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको मैंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण रंगा से संबंधित उनके जीवन परिचय के बारे में बताया है। अब उनकी रचनाएं के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी रचनाएं नाटक एकांकी संग्रह, टूटती नालंदाएं, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें, एक घर अपना, कहानी संग्रह, दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, कविता संग्रह हरिया सुवटिया जो राजस्थानी भाषा में है, बाल कहानियाँ टमर कट्टू राजस्थानी भाषा में। इनकी ये रचनाएं हमें यहाँ कुछ उनके लिखे हुए रचनाएं का वर्णन किया गया है। अब मैं इस पाठ में क्या है, अमर शहीद पाठ क्या है और इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको इस पाठ का पाठ परिचय पढ़ने जा रही हूँ। इस एकांकी में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि सागरमल गोपा द्वारा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने की यशोगाथा है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य के स्वेच्छाचारी शासन, अत्याचारी एवं निरंकुश सामंतशाही के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया। इससे क्रोधित हो सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी गृह में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, लेकिन अब आपको आतंकी शासन के सामने झुककर माफीनामा पर दस्तखत करने से मना कर दिया। अंत में इन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया। आपकी शहादत ने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंक दिए। तात्विक दृष्टि से अमर शहीद एक सफल एकांकी है। इसकी संवाद योजना में ओजपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग कर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस पाठ का परिचय मैंने आपको बताया सागरमल गोपा के द्वारा, जिस सागरमल गोपा ने किस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है वह इस पाठ के अंतर्गत लिख है। अब मैं आपको इसके आगे की पीडीएफ में इस पाठ की पीडीएफ भेज रही हूँ, आपको वह पाठ पढ़ना है। धन्यवाद।